दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज हम बात करने जा रहे हैं मवाशिक के बारे में। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। मवाशिक क्या होती हैं, मवाशिक किस तरह से करते हैं, मवाशिक से पहले कौन से वार्म अप की ज़रूरत पड़ जाती है, और साथ साथ ये भी जानेंगे हम जो ये मवाशी हैं इस पर कौन से रिस्क आ सकती हैं। आज हम बात करते हैं इस किक के बारे में। आए जानते हैं ये किक क्या होती हैं, जो भी ज़रूरी है इस किक के बारे में। दोस्तों स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ये एक्सरसाइज, हम स्टार्ट करेंगे मवाशिक की एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पर स्टार्ट। जो ये पैर हैं इसको यहाँ पर बेंड करना है, इसको यहाँ पर बांधना है, ऊपर की तरफ टकराना है इसको ऐसे, फिर यहाँ पर ये छोड़ना है, फिर लेफ्ट वाला पैर इसको यहाँ पर बेंड करना है, इसको यहाँ पर ऊपर से टकराना है इसको। ये 20-25 बार करना है दोस्तों, ये इसको यहाँ पर करना है ऐसे 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 करना है, फिर छोड़ना है, ये 20-25 बार करना है दोस्तों। फिर हम दूसरे के से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर दोस्तों। जो ये हमारे ये लेग्स है इसको थोड़ा यहाँ पर दूर रखना है, थोड़ा सा बीच में गैप रखना है। फिर क्या करना दोस्तों, इनको यहाँ पर बेंड करना है, जो ये हमारे हील्स हैं इनको बाहर की तरफ करना है हमारे, इसको फिर थोड़ा सा नीचे बैठना है, थोड़ा सा फिर यहाँ पर पकड़ना है इनको, लेग्स को यहाँ पर नीचे से पकड़ना है। फिर जो ये हमारे एल्बोज हैं इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से ये बाहर की तरफ जरक देना है इनको, ये भी 20-25 बार करना है दोस्तों। फिर से मैं ये दिखाऊंगा यहाँ पे, इसको यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखना है बीच में, जो ये हमारे हील्स हैं इनको थोड़ा सा इनको बाहर की तरफ लगाना है। फिर हमको यहाँ पर पकड़ना है लेग्स को, फिर जो ये हमारी ये एल्बोज हैं इनको यहाँ पर बाहर की तरफ जरक देना है इसको, ये भी 20-25 बार करना है दोस्तों। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इसको बोलते हैं टेकिंग बैलेंस बोलते हैं इसको। क्या करना है इसको, इसको थोड़ा गैप रखना है बीच में, इसको जो ये हमारी ये लेग है इसको थोड़ा बेंड करना है, ये हमारी ये लेग है इसको स्ट्रेट रखना है इस यहाँ पे, इसको यहाँ पर पकड़ना है दोस्तों। फिर से देखो, फिर उठना है, फिर राइट पैर को बेंड करना है, फिर ये लेग पैर स्ट्रेट रखना है दोस्तों, अच्छे से देखो। हाँ ये भी 20-25 बार करना है दोस्तों, अच्छा अच्छे से करना ये। फिर उठना है, फिर इसको ये करना है लेग बैलेंस, जो ये हमारे मसाले ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इससे हमारी किक आसान होती है। ये भी 20-25 बार करना है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखाएंगे क्या करना है दोस्तों। जो ये हमारे ये पैर हैं इसको यहाँ पर बेंड करना है, ये बाहर की तरफ पकड़ना है इसको यहाँ पे, फिर छोड़ना है, जो ये लेफ्ट वाला पैर इसको यहाँ पर पकड़ना है, बेंड करना है, पकड़ना है इसको यहाँ पे दोस्तों। ये भी 20-25 बार करना है, इसको यहाँ पर पकड़ना है, फिर छोड़ना है, फिर लेफ्ट वाला पैर उठाना है, यहाँ पर बेंड करना है, यहाँ पर पकड़ना है, ये भी 25 बार करना है दोस्तों, 20-25 बार। फिर पीछे की तरफ पकड़ना है इसको, पैर को यहाँ पर दिखाऊंगा, जो ये हमारा पैर है इसको यहाँ पर पकड़ना है ऐसे ऐसे, मैं दिखाऊंगा ये ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5। ये भी 20-25 बार करना दोस्तों। ये था हमारा आज तीसरा लेसन। अब हम स्टेप दिखाएंगे यहाँ पे मवाशिक किक स्टेप, अब हम स्टेपिंग दिखाएंगे मवाशिक किक पोजीशन, शिकार पोजीशन यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, अच्छा से देखना है। जो हमारा ये राइट वाला पैर इसको थोड़ा हमारा बेंड करना है, जो हमारा ये लेफ्ट वाला पैर इसको सीधे करना है पीछे से दोस्तों। क्या करना है, पहले जाके आधी किक मारनी है, आधी किक मारनी है, फिर वापस आना है पीछे से। क्या करना दोस्तों, आधी किक मैंने मारी, फिर पूरी मारनी है, फुल मारनी किक। क्या करना है दोस्तों, इसको यहाँ पर स्ट्रेट रखना है, इसको यहाँ पर थोड़ा बेंड करना है राइट पैर को,
क्या करना है उसको आई की आई की तरफ नज़र करना है दोस्तों। क्या करना, जो हमारे ये हाथ है उसको यहाँ पर पकड़ना है ऐसे ना, ये आई नज़र करनी है ऐसे, आधी किक फिर फुल किक मारनी है दोस्तों। क्या कर, जो ये हमारे चेस्ट हैं इसको थोड़ा यहाँ पे बेंड करना है, बेंड करना है। अगर हम स्ट्रेट रखेंगे तो हमारी किक अच्छी नहीं होंगी। ये भी रिसिक है, मैं यहाँ पर रिसिक भी दिखाऊंगा। इसको यहाँ पर थोड़ा बेंड करना है, इसको यहाँ पे थोड़ा इसके यहाँ पे स्ट्रेट रखना है ये पैर। क्या कर, नज़र आगे रखना है, आधी किक फिर फुल किक, फिर से दिखाऊंगा। आधे लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वो गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो रिसिक है। मैं यहाँ पर दिखाऊंगा रिसिक क्या है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर गिर जाते हैं, ये नहीं करना दोस्तों। ये पोजिशन रखनी है, सब वेट इस पैर पर होता है, राइट वाला पैर भी इस पर सब बैलेंस होता है सब। अगर कोई गिला वाला दरख्त होगा उसको यहाँ पर पकड़ना है, फिर आसान फिर अच्छे तरीके से किक मारनी है। क्या करना है दोस्तों, ये राइट वाला पैर, राइट वाला पैर थोड़ी बेंड करना है, पीछे वाले पैर स्ट्रेट रखना है। क्या करना है, फिर पहले आधी किक मारनी है फिर फुल किक मारनी है। यहाँ पर दिखाऊंगा आधी किक फिर फुल दोस्तों, यहाँ पर मैं फिर से दिखाऊंगा। हाँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे फिर चेस्ट को थोड़ा बेंड करना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा फिर से, पहले हम आधी किक मारेंगे फिर हम फुल किक मारेंगे। आप देखो अच्छे से वीडियो देखो, इसे हम दिखाएंगे यहाँ पे। इसको थोड़ा बेंड करना है, इसको थोड़ा इसको पीछे से स्ट्रेट रखना है। पहले जाके हम आधी मारेंगे फिर हम पूरी मारेंगे, फुल किक मारेंगे, आधी किक फिर फुल किक मारेंगे। वीडियो को थोड़ा स्लो करना है, अगर वीडियो बहुत तेज़ चल रहा है उसको थोड़ा स्लो करना है, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। दोस्तों क्या करना है, ऐसे इसको थोड़ा यहाँ पर बेंड करना है, इसको पैर को लेफ्ट वाला पैर पीछे से सीधे करना है, नज़र आगे आगे की तरफ रखना है। फिर इसको आज पहले हम आधी किक मारेंगे फिर हम फुल किक मारेंगे दोस्तों। आज 1 2 3 जो हमारा है पैर यहाँ तक पहुँच गया, फिर उसको यहाँ पर पकड़ना है, यहाँ तक छोड़ना है, उसको यहाँ पर बेंड करना है फिर पीछे की तरफ डालना है। फिर से देखो, पहले जाके हम आधी मारेंगे आधी फुल, फिर यहाँ पर इसको बेंड करना है, इसको यहाँ पर छोड़ना है। आधे आधे लोग ये भी करते हैं, आप देखो ये करते हैं आधे लोग, ये नहीं करना, ये भी रिस्क है, इससे इंजरी भी हो सकती है, ये नहीं करना दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, आधी किक फिर फुल, आधी किक फिर फुल, फिर अच्छे तरीके से पीछे लाना है दोस्तों। दोस्तों आज आपने घर बैठ कर मोश किक सीखी, आज उम्मीद है आज आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर हमें किसी भी सेक्शन में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।